लेट्स क्रैक बी आर्क 2021। हेलो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ह्यूमन फिगर्स कैसे निकालते ये दिखा रहा हूँ। पहले तो मैंने एक सर्कल निकाल लिया छोटा सा, उसके नीचे थोड़ी गैप देके एक रेक्टेंगल। देखो दोस्तों, यहाँ पे जितना मैंने रेक्टेंगल निकाला है उतना ही नीचे रेक्टेंगल निकालना है। तो यहाँ मैं रेक्टेंगल ना निकालते हुए सिर्फ लाइन वर्क में मैंने उसके पैर निकाल लिए, सिंगल लाइन। तो दोस्तों, ये सबसे आसान तरीका मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह आप बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो मेमोरी ड्राइंग निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, करना क्या है कि जो भी हमें मेमोरी ड्राइंग निकालना है, ये पहले सब के सब इसी तरह ड्राइंग्स कर लेने की, ह्यूमन फिगर जो है जो निकालने हैं वो इस तरह सभी जहाँ जहाँ हमें निकालने हैं छोटे बड़े, तो इस तरह निकालना, बाद में उसको डिटेल करना। यहाँ पर मैं आपको एक एक फिगर डिटेल करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये एक टाइप हो गया, और एक ट्रायंगल का टाइप आता है, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। आप मेरे पुराने अगर वीडियो देखेंगे लास्ट ईयर की, तो वहाँ पे मैंने वो भी काफ़ी आसान है, तो उस तरह भी कर सकते हो। उसमें मैंने मेमोरी ड्राइंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, और पर्सपेक्टिव के लिए भी बहुत सारे वीडियोस मैंने वहाँ अपलोड किए, 1.2.3। तो इस तरह मैंने वीडियोस अपलोड किए, तो आप वो भी देख सकते हो। या तो अब तो मैं ये सीरीज जो बना रहा हूँ ये आपको कंटिन्यू देखना है। वीडियो अगर आप लास्ट तक देखोगे तो ये बातें आपको समझ में आएगी। तो दोस्तों, यहाँ मैं ज़्यादा तो फिगर नहीं निकाल पाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो करना तो मेरे लिए आसान है, लेकिन जो वीडियो देखते हैं उनको काफ़ी बोर हो जाता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट वीडियोस डाले और ना ही उसका स्पीड बढ़ाया। तो थोड़े फिगर्स यहाँ पे मैं कम निकालूँगा, लेकिन आपको डिटेल समझ में आएगा। तो देखो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं जो हाथ निकाल रहा हूँ, हैंड निकाल रहा हूँ, तो उसकी पोजीशन पहले ही मैंने वन लाइन में ले ली थी, अभी उसको डबल लाइन में यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये लगभग फिगर यहाँ कंप्लीट हो गई, अभी सिर्फ फेस को डिटेल करना बाकी है। यहाँ पे मैं कोई एक्शंस ले रहा हूँ, तो जिस तरह आपको फिगर बनानी है वैसे एक्शन आप ले सकते हो, उसके हाथ पैर कैसे मूवमेंट कर रहे तो उस पर से आप फिगर बना सकते हो। लेकिन बेसिक जो टेक्निक है वो यही है कि पहले एक सर्कल निकालो, फिर थोड़ी गैप देके रेक्टेंगल निकालो, फिर जो कॉर्नर से वहाँ से उसके लेग मतलब कि पैर वो फोल्ड कहाँ नी तक का पहला एक पार्ट निकालना है, नी से नीचे जो फुट आता है वहाँ तक का एक पार्ट निकालना है। तो ऐसे ही हैंड का भी करना है, हाथ का भी करना है, शोल्डर से लेके तो पूरे हाथ तक, वहाँ पे दो पार्ट होते। तो यहाँ आप देख सकते हो अभी कि ये फिगर यहाँ कंप्लीट हो गई, मैंने उसको डिटेल किया, उसके बाल, शर्ट, पैंट, ये सारा। मैं इसको शेडिंग नहीं करूँगा, सिर्फ फोल्ड कैसे आएंगे, उसके एक्शन कैसे आएंगे, यही मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, और भी आपको मेमोरी ड्राइंग के ह्यूमन फिगर जो है उसके बेसिक अगर चाहिए तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करना, और ज़रूर लिखना कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए। जैसा मैंने एनिमल्स के वीडियो डाले थे तो दो तीन जनों की कमेंट्स थी कि हमें गोट, गाय मतलब कि काऊ
और बफेलो, इनके स्केचेस बना के दिखाओ। तो मैंने वो भी एक वीडियो अपलोड किया है। तो इस तरह अगर आप मुझे सजेशन दोगे कि सर मुझे ये सब्जेक्ट पे आप वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक लेडीज़ बना रहा हूँ, आप देख सकते हो। पहले मैंने ओवल निकाल लिया, फिर नीचे रेक्टेंगल निकाल लिया, फिर उसके पैर। तो प्रोसेस वही जो पहले फिगर में मैंने की थी, लेकिन यहाँ एक्शन थोड़ी अलग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ साड़ी पहने हुई एक लेडीज़ मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। तो हमेशा आप एक बात ध्यान रखनी है, ध्यान देनी है कि उसके एक्शन के लिए पहले आपको उसकी वन लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेना है, और फिर उसी को आपको डिटेल ड्राइंग करनी है। तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। और मेमोरी ड्राइंग में यही इम्पोर्टेंट है कि आपके मोमेंट वहाँ दिखनी चाहिए। सेकंड जो बात है, ये तो मैंने ह्यूमन फिगर के लिए बताई, पर अगर आप बैकग्राउंड की बात करोगे तो आपको इम्पोर्टेंट है वहाँ पे पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेमोरी के लिए, और उस पर ही डिपेंड है पूरा मेमोरी ड्राइंग, पर्सपेक्टिव पे। तो आपको ऐसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं कि आप दूसरे मंजिल पे खड़े हो और नीचे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो आपको ऊपर से कैसा दिखेगा। तो उसके लिए आपको ह्यूमन फिगर भी उसी टाइप में निकालने पड़ेंगे। तो वो भी मैं ह्यूमन फिगर कैसे आते हैं वो निकाल के दिखाने वाला हूँ। ये तो स्ट्रेट आई लेवल पे जो है वो मैंने दिखा है, ये बेसिक। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो आप ऊपर से अगर ह्यूमन फिगर देख रहे हो, ह्यूमन को देख रहे हो, कोई आदमी को, लड़के को अगर देख रहे हो, तो वो कैसा दिखेगा। या तो फिर आपकी साइज़ 4 इंच हो गई है, 5 इंच हो गई, या 6 इंच हो गई, और आप कोई आदमी की तरफ देख रहे हो, तो वो आदमी कैसे दिखेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसकी तरफ आप ज़रा गौर कीजिए ये सब्जेक्ट पे। और जो मैंने बेसिक प्रैक्टिस आपको बताई है वो आपको ज़रूर करनी है, उससे आपका हाथ जो है, हैंड है, ये काफ़ी इजीली घूमेगा। यहाँ पे एक मैं अभी छोटी लड़की निकाल रहा हूँ, देखो। पहले मैंने एक सर्कल निकाल लिया, सर्कल निकालो या तो फिर वही साइज़ का ओवल निकालो, एज यू लाइक। मैंने यहाँ सर्कल निकाला, और सर्कल निकालने के बाद उसका अभी हेड मैं कर रहा हूँ कंप्लीट कि कैसा आएगा। तो दोस्तों, ये लड़की का यहाँ मैंने हेड निकाल लिया है, अभी उसका हाथ निकाल रहा हूँ, ये हाथ की पोजीशन कैसे आएगी। अभी फेस निकालते समय यहाँ मैंने देखो आपके दोनों भी फिगर जो निकाले हैं उसमें ज़्यादा डिटेल मैंने किया नहीं, क्योंकि फिगर में आपको ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नोज़ कहाँ और आँखें, उसका मुंह, कान, ये चीज़ें थोड़ी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं। और इसको शेडिंग भी करनी है आपको। तो ये सब्जेक्ट जब भी आप करोगे तो ये मेमोरी ड्राइंग में आपको कलर तो बोलते नहीं है, अभी तक आया नहीं कलर का, बट आपको ये पेंसिल में वन टोन में ही करना है। मतलब कि एक ही पेंसिल लेके या तो फिर 2-3 पेंसिल लेके उसका ग्रेडेशन करके आपको ये मेमोरी ड्राइंग यहाँ कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ छोटी लड़की मैंने निकाली, उसका एक हाथ निकाला, अभी उसकी जो पैर है वो निकाल लिए। यहाँ बालों के लिए सिर्फ मैं एक जस्ट आपको समझ में आना चाहिए उसकी बॉब कट है, और यहाँ पे ये सेकंड हाथ, उसने दोनों हाथ अपने हाथों में लिए एक दूसरे, और वो खड़ी है। तो दोस्तों, और भी आपको कुछ वीडियोस अगर चाहिए तो ज़रूर ज़रूर कमेंट्स में मुझे लिखना है और बताना है कि किस तरह आपको क्या एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे अभी मैं एक छोटा लड़का पर न्यूड, जिसने कपड़े ही नहीं पहने, वो निकाल के दिखा रहा हूँ।
थोड़ा आप देखेंगे तो इसमें एनाटॉमी का स्टडी आपको हो जाएगा कि उसकी जो पीठ रहती है वो अंदर के साइड जाती है, जो शोल्डर है वो पीछे के साइड थोड़े आ जाते हैं, और हिप बाहर और थाई जो है वो भी फ्रंट से बाहर आती है और हिप पीछे से बाहर आते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी है। बोल सकते हैं कि छोटे बच्चे रिवर के किनारे खेल रहे हैं या नहा रहे हैं, रिवर में खेल रहे हैं, तो आप अगर देहात में जाओगे, गांव में जाओगे, छोटे कस्बे में अगर जाओगे तो आपको इस तरह के लड़के आपको दिखेंगे। तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर थोड़ी बढ़ानी है। आप जो भी चीज़ें देखेंगे, चाहे ऑब्जेक्ट रहो या चाहे ह्यूमंस रहो, एनिमल्स रहो, बर्ड रहो, उसकी तरफ इसी तरह देखना है, स्टडी के हिसाब से देखना है। जहाँ पर भी आप बाहर जाओगे तो उसके ऊपर शेड लाइट कैसे है, उनका शेप कैसा है, वो कैसे दिखते हैं, इस तरह अगर आप उसका स्टडी के हिसाब से वो नज़रिए से अगर आप देखोगे तो आपको ये बातें मेमोरी में इमेजिनेशन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो लगभग यहाँ ख़त्म होते आ रहा है। तो फिर से मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कोई सब्जेक्ट, ये कौन से इस पे अगर ड्राइंग बनाना है आपको नहीं आती, तो मुझे अगर कमेंट्स ज़्यादा आएंगे तो मैं ज़रूर वो बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखो, ये फिगर मैंने न्यूड फिगर बनाई है, जिसने कुछ भी कपड़े नहीं पहने हैं, छोटा लड़का है। तो इस तरह आपको ये फिगर्स बनाने हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट्स में कमेंट्स करना है, और भी वीडियो कौन सी चाहिए वो बताना है, और ये चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।